मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। ठीक है, आज हम इसके भाग दो पर चर्चा करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। अभी तक हम पहला भाग देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी की उत्पत्ति। ठीक है, ये जो हमारी आवर्त सारणी है ना, पीरियोडिक टेबल है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे हम थोड़ा पिछले भाग में भी पढ़ चुके हैं, आज हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपकी पुस्तक में 3.2 पर दी हुई है, तो अवश्य एक बार वहां से देख लीजिएगा। बाकी हम अपने वीडियोस में तो इन्हें पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अष्टक नियम, जिसे हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं, है ना, अब अभी हमने जो सही तरीके से है वह डावरनियर के त्रिक पढ़े थे, है ना, कि जो डावरनियर थे, जॉन डावरनियर, उन्होंने कई तत्वों को तीन तीन के समूह में लगा रखा था, है ना, और पहली और जो तीसरे जो तत्व थे उनका जब हम परमाणु भार का औसत निकालते थे तो हमें दूसरे जो मध्य में जो तत्व है उसका लगभग लगभग परमाणु भार मिल जाता था, और जो गुणधर्म थे, है ना, पहले और तीसरे तत्व के, है ना, उनके कहीं बीच में ही जो बीच का तत्व है उसके गुणधर्म भी पाए जाते थे, है ना। लेकिन फिर जो रासायनिक रसायन बाकी रासायनिक थे, है ना, जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे मात्र एक संयोग मानकर, है ना, इसे छोड़ दिया गया। ठीक है, अब हम उस ऐसे ही जैसे डावरनियर ने त्रिक बनाए थे वैसे ही अब हम अष्टक नियम पढ़ेंगे, जिसे हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं। एलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एक्टिव ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं, उसको विकसित किया। किसने? एलेक्जेंडर न्यूलैंड ने, है ना, इन्हें हम न्यूलैंड के नाम से भी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से भी हम अष्टक नियम को जानते हैं। ठीक है, उन्होंने अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को विकसित किया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, है ना, क्या किया, जो तत्व थे उन्हें उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, परमाणु भार का, है ना, एटॉमिक मास का, ठीक है, के क्रम में व्यवस्थित किया, तथा पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे, है ना। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, है ना, और ये पाया कि अगर हम किसी कोई भी तत्व लें, है ना, तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर जो आठवां तत्व है उसके गुण प्रथम तत्व के समान थे, है ना, जो कि अभी हम देखो, जैसे ये है न्यूलैंड के अष्टक। ठीक है, तो इनमें हमारे पास तत्व हैं लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, है ना, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये हमारे पास कुछ तत्व हैं। ठीक है, तो न्यूलैंड ने बोला कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ना, जो अष्टक नियम है, कि अगर हम किसी भी तत्व से शुरू करें, है ना, मान लीजिए लिथियम, है ना, तो इससे जो आठवां तत्व आएगा, है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना, तो जो आठवां तत्व है और पहला तत्व है, तो इनके जो गुणधर्म होंगे वह आपस में कहीं हद तक समान होंगे, है ना, तो उनके हिसाब से लिथियम और सोडियम, है ना, इनके गुणधर्मों में काफी समानता होगी। और अगर हम अभी की आवर्त श्रेणी देखें तो लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम आता है ना, तो कहीं हद तक उनकी बात सही भी है ना। ऐसे ही जैसे अगर हम बी बेरिलियम को पहला माने तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, है ना, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम इन दोनों के गुणधर्मों में भी काफी समानता पाई जाती है ना। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक का नियम, है ना, जिसे हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह संबंध उसी प्रकार का था जैसे आठवें सांगीतिक स्वर, जो 8 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, उनका संबंध प्रथम सांगीतिक स्वर के साथ होता है ना, जो हम देखते हैं ना, सा रे गामा पा धा नी सा, है ना, तो सा से नी तक, उस नी क्या होता है, सातवें नंबर पे आता है ना, सातवीं संख्या पे, और जो आठवां है वह दोबारा से सा आ जाता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो पहला और आठवां दोनों ही सा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अष्टक नियम के, है ना, अष्टक नियम के अनुसार जो हमारा आठवां तत्व होगा और पहला तत्व होगा, है ना, इन दोनों ही तत्वों के जो गुणधर्म होंगे वह लगभग लगभग एक समान होंगे। ठीक है, तो ये था अष्टक नियम न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं।
न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों तक सही प्रतीत हुआ है ना। जो अगर हम इस सारणी को भी देखें जो न्यूलैंड के अष्टक नियम को दर्शा रही है, तो इसमें भी हमारे पास जो तत्व है वैसे कैल्शियम तक है ना। तो जो न्यूलैंड के का अष्टक नियम था वह सिर्फ कैल्शियम सीए तक के तत्वों तक सही प्रतीत हुआ। हालांकि उस समय इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं मिली है ना। जिस टाइम पर न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम दिए थे, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स दिए थे, उस टाइम पर ये जो नियम थे इन्हें व्यापक मान्यता नहीं मिली। परंतु बाद में जो रॉयल सोसाइटी है लंदन में है ना, जो रॉयल सोसाइटी है उसके द्वारा सन 1887 में न्यूलैंड को देवी पदक द्वारा पुरस्कृत कर उनके काम को मान्यता दी गई है ना। जब उन्होंने नियम दिए थे है ना, जो लॉ ऑफ ऑप्टिक दिया था, अष्टक नियम दिया था, उस टाइम उस समय पर उनकी इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन बाद में जो रॉयल सोसाइटी है लंदन में उसके द्वारा सन 1887 में न्यूलैंड को देवी पदक द्वारा पुरस्कृत कर उनके काम को मान्यता दी गई। ठीक है, रूसी रासायनिक डिमित्री मेंडलीव है ना। अब देखिए अभी तक क्या है हमारे पास, अभी तक हमारे पास डाबरनियर की त्रिका है ना, उसके बाद न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ना, न्यूलैंड का अष्टक नियम था वो आया है ना। अब जो जो रासायनिक आए हैं उनका नाम है दिमित्री मेंडलीव, और मेंडलीव ने काफी हद तक जो आवर्ती सारणी है उसे काफी हद तक सही है ना समूह में या वर्गीकरण किया था है ना। इनका सबसे ज्यादा जो योगदान है आवर्त सारणी में वह माना जाता है। ठीक है, तो रूसी रासायनिक दिमित्री मेंडलीव है ना तथा जर्मन रासायनिक लोथर मेयर है ना, ये जो दो रासायनिक थे दिमित्री मेंडलीव और लोथर मेयर, इनके सतत प्रयासों के फल स्वरूप आवर्ती सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई है ना। इनके प्रयासों के फल स्वरूप हमें आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रसायनज्ञों ने सन 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है ना। रूसी रासायनिक दिमित्री मेंडली और जर्मन रासायनिक लोथर मेयर, इन दोनों ने ही जो कई प्रयास किए उसके फलस्वरूप हमें आवर्ती सारणी का के विकास में सफलता प्राप्त हुई है ना। तो स्वतंत्र रूप से अलग अलग है ना, जो दिमित्री मेंडलीव थे और लोथर मेयर थे, ये दोनों जो रासायनिक थे वह अलग अलग अपना काम कर रहे थे है ना आवर्त सारणी के ऊपर। तो इन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए जो दोनों रासायनिक थे इन्होंने 1869 में प्रस्तावित किया कि जब जब हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तब हर नियमित, इन्हें ये नहीं बताया कितनी संख्या बाद या फिर कितने तत्वों बाद, नहीं, तब किसी नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक है ना, नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। ठीक है, ये किसने, दिमित्री मेंडली और जो रासायनिक के लोथर मेयर थे, इन दोनों ने है ना, इन दोनों ने कहा। ठीक है, लोथर मेयर ने भौतिक गुणों जैसे कि परमाणवी आयतन है ना, गलनांक एवं कंपनांक और परमाणु भार के मध्य वक्र आलेखित, जिसे हम कर्व प्लॉटिंग के नाम से जानते हैं, वह किया जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों को सामान्यता दर्शाता था। ठीक है, जो लोथर मेयर थे इन्हें जो भौतिक गुण थे उनको है ना, उनके कर्व प्लॉट किए है ना, वक्र आलेखित किया जो एक निश्चित समुच्चय वाले है ना, जो क्या, एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों में समानता दर्शाता था। ठीक है, सन 1868 तक लोथर मेयर ने तत्वों की एक सारणी का विकास कर लिया था है ना। दिमित्री मेंडलीव भी कर रहे थे और हमारे जो रासायनिक हैं लोथर मेयर वो भी कर रहे थे। तो सन 1868 तक लोथर मेयर ने तत्वों की एक सारणी का विकास कर लिया जो आधुनिक आवर्त सारणी से काफी मिलती जुलती है ना। उन्होंने जिस सारणी का को विका का विकास किया था वह जो अभी हम आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उससे काफी मिलती जुलती थी। लेकिन उसके काम का विवरण दिमित्री मेंडलीव के काम के विवरण से पहले प्रकाशित नहीं हो पाया है ना। काम दोनों ने किया था है ना, दिमित्री मेंडलीव ने भी किया था और लोथर मेयर ने भी किया था है ना। लेकिन जो लोथर मेयर थे उनका जो काम था, उनके काम का जो विवरण था वह दिमित्री मेंडलीव से पहले प्रकाशित नहीं हो पाया है ना। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय दिमित्री मेंडलीव को दिया गया है ना। काम दोनों ने किया था, लोथर मेयर ने भी किया था और दिमित्री मेंडलीव ने भी किया था। लेकिन जो लोथर मेयर थे उनका जो काम था उसका विवरण पहले प्रकाशित नहीं हो पाया, इसलिए जो आवर्ती आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में जो योगदान का श्रेय है वह दिमित्री मेंडलीव को दिया गया है।
ठीक है, चलिए। हालांकि आवर्ती संवादों के अध्ययन का आरंभ डावरनियर ने किया था, है ना। जो आवर्ती संवादों के अध्ययन का जो आरंभ है ना, सबसे पहले देखो, सबसे पहले किसने, सबसे पहले डावरनियर ने हमें त्रिक के नियम दिए, उसके बाद न्यूलैंड ने हमें लॉ ऑफ एक्टिव्स या फिर अष्टक नियम दिया, है ना। और उसके बाद हमें जो दैमेत्री मेंडलीव और लूथर मेयर थे, इन्होंने अपनी अपनी, है ना, अपनी अपनी स्वतंत्र पूर्वक एक सारणी, एक आवर्त सारणी विकसित की, ठीक है, और उसे हमें दिया। लेकिन जो लूथर मेयर थे, उनकी जो आवर्त सारणी थी वह पहले प्रकाशित नहीं हो पाई दिमित्री मेंडलीव से, इसलिए जो उसका श्रेय था वह मेंड आवर्त सारणी के विकास का जो श्रेय था वह दिमित्री मेंडलीव को मिलता है ना। ठीक है, तो आवर्ती संबंधी के अध्ययन का आरंभ डावरनियर ने किया था, किंतु मेंडलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया, ठीक है। और ये जो नियम है ना, ये जो मेंडलीव की जो टेबल है ना, आवर्त सारणी है, इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम, ये रहे न्यूलैंड के अष्टक, है ना, ये हमने देखा है सारणी 3.2। न्यूलैंड ने कितना, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम, है ना। तो ये कुछ तत्व थे जो कि सिर्फ कैल्शियम तक थे, है ना। इनका मेजर ड्रॉबैक क्या था, मतलब जो न्यूलैंड थे उन्होंने जो अष्टक नियम दिया था वह सिर्फ कैल्शियम तक ही लगा, है ना। तो जिसकी वजह से उन्हें भी ज्यादा श्रेय नहीं दिया गया, है ना। सबसे ज्यादा श्रेय किसे मिला, मेंडलीव ने मिला, क्योंकि उन्होंने पूरी एक सारणी बनाई थी और पहले उसका विवरण दिया था, ठीक है। तो ये जो तत्व थे ये न्यूलैंड के अष्टक नियम में थे, और न्यूलैंड ने क्या बोला, प्रथम अगर हम किसी भी तत्व को लें, है ना, तो प्रथम तत्व और आठवां तत्व, इन दोनों की जो गुणधर्म होंगे वह लगभग लगभग समान होंगे, जैसे लिथियम और सोडियम, है ना, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन और एल्यूमिनियम, है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर हम देखें तो, अगर जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें भी हम देखें तो लिथियम के नीचे ही सोडियम आता है ना। अगर वर्गीकरण देखें तो न्यूलैंड के जो अष्टक का वर्गीकरण था वह लगभग लगभग ठीक था, ऐसे ही बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि इनकी गुणधर्म है जो कि सच में है ना, सच सच में समान है, ठीक है। तो ये थे न्यूलैंड के अष्टक, ठीक है। बाकी अब आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने आवर्त सारणी की उत्पत्ति देखी, है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 3.2 में है, तो अवश्य वहां से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगले भाग में हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे, आवर्त सारणी की उत्पत्ति, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले भाग में, धन्यवाद, थैंक यू।